भारत का शास्त्रीय नृत्य छऊ शीर्षक पर व्याख्यान सह प्रदर्शन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय नृत्य विभाग में आयोजित किया गया, जो समस्त छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुआ। व्याख्यान का शुभारंभ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। विषय विशेषज्ञ पद्मश्री शशधर आचार्य को संगीत एवं मंच कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर शशि कुमार तथा नृत्य विभाग की विभागाध्यक्षा डॉ विधि नागर द्वारा स्मृति चिन्ह तथा अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद डॉ नागर ने समस्त श्रोताओं को इस व्याख्यान के बारे में सूचित किया। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा संस्था के गुरु भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में संकाय सदस्य त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में शिक्षक के रूप में कार्यरत पद्मश्री शशधर आचार्य देश विदेश में अपने नृत्य की सफल प्रस्तुति दे चुके हैं। उन्होंने व्याख्यान सह प्रदर्शन को सुगमतापूर्वक प्रारंभ किया तथा छऊ नृत्य को समर्थन देने वाले राजवंशों के बारे में विस्तार से बताया। और आज हमारे यहाँ छऊ नृत्य, जो कि 9वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में भारत में पहचाना जाता है, उसके एक हस्ताक्षर गुरु शशधर आचार्य जी, जिनको अभी हाल ही में पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया है, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है ताकि वो छऊ नृत्य की बारीकियाँ और उसके तकनीकी पक्ष क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी भंगिमाएँ क्या हैं, चारियाँ क्या हैं, इत्यादि से बच्चे जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इसके अलावा विश्वविद्यालय के भी अनेक छात्र अन्य संकायों से यहाँ पधारे हैं और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। मैम, किस सब्जेक्ट पे ये बच्चों को बता रहे हैं और किस किस तरीका ये क्या है? ये छऊ नृत्य पर बता रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, छऊ नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों के बाद अभी हाल ही में 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्ज किया गया है, तो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो नृत्य की शिक्षा ले रहे हैं तो छऊ भी एक नृत्य है और उसके क्या क्या पहलू हैं। उन सभी पहलू को बताने के लिए गुरु शशधर आचार्य जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं।